In this question, if 4 times of sine raised to power 4x plus cos raised to power 4x is equal to 1, if, okay, so 4 times of sine raised to power 4x is equal to 1 minus cos raised to power 4x, so this comes to 1 minus cos square x into 1 plus cos square x, then 4 sine raised to power 4x is equal to, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू वन प्लस कोस स्क्वायर को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, फोर टाइम्स ऑफ साइन रेज टू पावर फोर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर प्लस वन इज फाइव साइन रेज टू पावर फोर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे फाइव साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, तो एक कंडीशन क्या आ गया हमारे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो या फिर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टू बाई फाइव, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई प्लस माइनस एन पाई, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस जीरो मीन्स जीरो, ओके, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई हो जाएगा, ओके, प्लस माइनस एन पाई पर ये वैल्यू हमें क्या देगा, साइन स्क्वायर एक्स ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, ओके, एंड यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू बाई फाइव, तो इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टू से मल्टीप्लाई करने फोर बाई फाइव, इसमें से इसको माइनस करेंगे इसको माइनस कर देंगे फिर माइनस इसमें वन ऐड करेंगे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू इसमें वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई फाइव, क्योंकि वन माइनस फोर बाई फाइव इज वन बाई फाइव, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास कोस ऑफ टू एक्स और दिस इज इक्वल टू वन बाई फाइव, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू सो टू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स ऑफ वन बाई फाइव 1 बाई फाइव टू एन पाई सॉरी टू एन पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स 1 बाई फाइव, ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो n पाई प्लस माइनस 2 से डिवाइड करने पर 1 बाई टू कोस इनवर्स 1 बाई फाइव कोस इनवर्स 1 बाई फाइव, तो x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 बाई टू कोस इनवर्स 1 बाई फाइव आ गया या फिर प्लस n पाई या फिर x इक्वल टू माइनस n पाई, तो सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे हमारे पास x इक्वल टू प्लस माइनस n पाई या फिर एन पाई प्लस माइनस वन बाई टू कोस इनवर्स वन बाई फाइव, तो मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ से एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन इज बिलोंग्स टू एन इंटीजर, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन बाई टू कोस इनवर्स वन बाई फाइव एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये भी करेक्ट है हमारे पास, सी ऑप्शन एक्स इक्वल टू एन पाई बाई टू ये इनकरेक्ट हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन क्या है एक्स इक्वल टू माइनस एन पाई ये भी करेक्ट है क्योंकि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई आता है, ऑप्शन ए बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।